हाय दोस्तों, आप सभी के बीच में हम फिर उपलब्ध ही है और आप सबके दिखावे चाहते ही है। आज हमारे मम्मी लौकी की बिया दे बाटी है और देख सकते हैं आपकी बिया कैसे बाटी है। लौकी की बिया है ये, एक मम्मी कहन की जाए कि मशीनी बोई दे पाही पे अपने, तो हम चलते ही लौकी की बिया बोए और लगभग ये तीन छः सात बिया बा, तो मतलब सात समझ ला पेड़ लगा बाटी है। और लौकी की बिया अगर हम गोद देवे एक जगह तो फिर मान लगे लौकी की सीजन में अपन लौकी खाए के मिल जाए। और ऐसी हमारे से ये रहे कि थोड़ा सब्जी खरीदे के ना पड़े और घर में भी सब्जी उपलब्ध रहे, तो घर एक नेचुरल चीज़ जो रहा था बहुत ज़्यादा फायदा करत आदमी के, ऐसे वो केमिकल युक्त रहा था। आजकल बाजारू सब्जी जोन भी आवत हैं थोड़ा खतरनाक ही हैं। गाँव देश में तो चला जोन मिलत है तो सही, लेकिन शहरों में जोन सब्जी मिलत है वो लगभग कुल मिलावटी रहा थे। इंजेक्शन द्वारा भी कई बार पकाई जात होगा, बड़ा कही जात है, लेकिन घरे जो सब्जी मिला था आप सबको बतावे चाहते ही जो नेचुरल रहा था प्योर, तो उनमें थोड़ा मिलावटी पन ना ही हो पाते कहाँ से कि उनमें मेहनत होते है और मेहनत से जो जैविक खाद होते है वही डाल जाते हैं उनमें। और एक्स्ट्रा मतलब कोनो जो हानिकारक तत्व तो होते जैसे केमिकल या कोनो खाद ऐसा चीज़ ना डाल जाए, जो नेचुरल चीज़ हो तो वही डाल जाते। जैसी फसल जो हो चाहे सब्जी हो चाहे जितक हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी हो जाते और खाए पिए में भी काफ़ी फायदा करे, शरीर के कोनो नुकसान ना करे, कोनो बीमारी ना फैले। तो हमेशा जो है नेचुरल चीज़ खाए कोशिश करें और बाजारू चीज़ कम करें और कोशिश करें अगर आपके लगे पर्याप्त जगह हुआ तो घर में ही सब्जी लगावे कोशिश करें। जैसी जो है आप सबके नेचुरल शक्ति और नेचुरल खान पान ये सब मिल सके और बाजारू सब्जी कम खाए कोशिश करें। अगर आपके लिए पर्याप्त जगह बा तो कोशिश यह करें कि हर चीज़ अपने यहाँ उगावे कोशिश करें, ना ज़्यादा तो कम से कम थोड़े में, और थोड़े में भी अगर आपके लिए अच्छी चीज़ मिले तो बाटे है तो कौन गलत बा। तो कोशिश हमारे से की है बा, तो अब हम चलत है अपन लौकी की बिया गोदे और गोद देवे तब अपन हमारे लौकी तैयार हो जाए, तब आप सबकी जब लौकी हो ही लागे तब आप सबके जरूर दिखाई। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।